हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित को। तो कक्षा 9 के गणित के अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 4 को जब तक हम करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस जो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 4 है या अध्याय नंबर 4 है, ये जो है वो है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर एक शब्द आया है आपका चर। चर के साथ में आपको एक शब्द को और समझना होगा, वो आपका कहलाता है अचर। तो जैसे कि हम समझ सकते हैं चर और अचर क्या है। वैसे नॉर्मली जब हम सीखते हैं तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि चर मीन्स होता है जो चल रहे, कभी कहीं पहुंच जाए, कभी कहीं पहुंच जाए, और जो कहीं ना जा सके, एक ही जगह स्टॉप रहे, वो अचर। ये केवल समझने के लिए हम अपने माइंड में डाल सकते हैं। लेकिन जो चर है और अचर है, चर मीन्स होता है ऐसी संख्याएं जिनके मान में परिवर्तन होता है, मान में परिवर्तन होता है, ठीक है, होता है। अगर हम अचर की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनके मान में परिवर्तन परिवर्तन ना हो। तो ऐसी संख्याएं जिनके मान में परिवर्तन नहीं होता है, वो आपके अचर कहलाती हैं, और ऐसी संख्याएं जिनके मान में परिवर्तन होता है, वो आपके चर कहलाते हैं। जैसे अगर हम, आपने देखा होगा कि हम मैथ में अल्फा वेट्स का भी हम यूज करते हैं, जैसे आपका ए बी सी डी ई एक्स वाई, ए बी सी डी और एक्स वाई जेड, ये कुछ अल्फाबेट है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं मैथ में। लेकिन हम ए से लेकर ए टू जेड तक किसी भी अल्फाबेट को हम यूज कर सकते हैं। आप देखोगे किसी भी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू आपकी जीरो भी आ सकती है, और वही एक्स की वैल्यू किसी अन्य क्वेश्चन में 1 भी आ सकती है, 2 भी, 3, 4, -5, -8, इस तरीके की वैल्यू जो है वो एक्स की आ सकती है। लेकिन अगर हम अचर की बात करें तो जितने भी हमारे जो अंक हैं, ठीक है, अंकों को हम कहते हैं अचर। जैसे आप सपोज 0, 1, 2, 3, 4, 5, -6, -8, इनकी जो वैल्यू है, आप कुछ कोई सा भी क्वेश्चन कर लीजिए मैथ में, नहीं जितने भी क्वेश्चन है सब कर लीजिए, लेकिन उनमें 3 की वैल्यू जो है, 3 का मान हमेशा, 3 का मान हमेशा कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। तो 3 की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 3 रहेगी। लेकिन अगर हम चर में देखें तो x की वैल्यू कभी 0 भी आ सकती है, और वहीं पर x की वैल्यू कभी 1 भी आ सकती है, x की वैल्यू आपकी 2 भी आ सकती है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग क्वेश्चन में x का जो मान है वो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, x के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच के एल एम ओ एक्स वाई जेड जो भी है, उनका मान परिवर्तन होता रहता है, तो वो चर कहलाते हैं। और जिनके मान में कभी परिवर्तन ना आए, ऐसी संख्याओं को हम अचर कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 जितने भी अंक हैं उन सबको हम शामिल कर लें तो वो अचर कहलाते हैं, और जिनके मान में परिवर्तन होता है वो आपके चर कहलाते हैं। देखिए अगर हम 2x प्लस 3 लें तो यहाँ पर x की वैल्यू आप देखेंगे -3/2 आ रही है, ठीक है, ये फिर वहीं पर अगर आपसे ये कहा जाए कि 2x प्लस 8 और इक्वल 0, तो 2x 8 तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, -8/2, तो 2 4 8 यानी कि आपका जाएगा x की वैल्यू यहाँ पर माइनस की 4 आ जाएगी। वहीं आपने यहाँ पर देखा x की वैल्यू -3/2 है, और इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू जो है -4 है। लेकिन अगर आप कभी भी 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा, अगर आप 2 प्लस
अगर आप 2 + 1 करेंगे फिर भी क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 की वैल्यू हमेशा किसी भी क्वेश्चन में ले जाएंगे कि 3 की वैल्यू हमेशा आप 3 ही आएगी। कि 3 की वैल्यू ऐसी नहीं है कि अगर आप 2 + 1 करें और यहाँ 4 लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता है। 3 की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 3 रहेगी। केवल ये जो आपके एक्स है, वाई है, जेड है, इनके मान में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो ये तो हमने सीखा कि चर और अचर क्या होते हैं। हमने देखा चर और अचर क्या होते हैं, जिसके मान में परिवर्तन हो वो आपका चर कहलाता है, जिनके मान में परिवर्तन ना हो वो अचर कहलाता है। ये तो हमने एक छोटा सा डिस्कस किया कि चर और अचर क्या कहलाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रैखिक समीकरण क्या होते हैं। इसके बाद में अभी आपने पिछली क्लास में आपके बुक्स में भी दिया गया है, बाकी की आपकी बुक में जो भूमिका है इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ के आए हैं, जैसे पहले लिखा है कि एक्स प्लस 1 = 0 और एक्स प्लस √2 = 0। इसी प्रकार से हम देखा √2 / √3 = 0। तो ये जो हमको बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप पिछली कक्षाओं में रैखिक समीकरण को पढ़ चुके हैं। एक चर रैखिक समीकरण को आप जो है वो पढ़ चुके हैं। तो एक चर रैखिक समीकरण क्या होता है, तो अब जैसे कि आप इसके नाम से देख रहे हो एक चर, तो ऐसे क्वेश्चन या ऐसे आपकी जो सवाल है समीकरण होंगे जिसमें केवल आप एक चर का यूज करोगे वो आपके कहलाते हैं एक चर रैखिक समीकरण। बात करते हैं, हमने ये तो समझ लिया कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में x + 1 = 0, तो यहाँ पर केवल एक ही चर आया है वो है x, तो इसका मतलब ये तो हो गया कि ये क्या है, एक चर है। तो हम देखते हैं रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो अगर हम रैखिक समीकरण की अगर हम बात करें, रैखिक समीकरण, तो जो रैखिक समीकरण होते हैं वो होते हैं कि ऐसे समीकरण जो चर की वैल्यू, चर की घात एक होती है, एक हो, वो आपका कहलाते हैं रैखिक समीकरण। क्या कहलाते हैं आपके, रैखिक समीकरण। तो ऐसे समीकरण जिसमें चर की घात एक होती है वो आपके कहलाते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे, देखिए x + 1 = 0 में x की घात कितनी है, 1 है। ऐसे यहाँ पर x + √2 = 0 में यहाँ पर x की घात, अच्छा घात किसको कहते हैं, कोई भी नंबर है, इस तरीके से लिखा हुआ हमने कहा ये x है, तो इसकी जो पावर है ऊपर घात, ये आपकी घात कहलाती है और इसको हम आधार कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, ये आधार है और ये आपकी घात कहलाती है। अभी मैं आपसे ये कहूँ कि 2y², तो यहाँ पर y की घात अगर मैं पूछूँ आपसे कि y की घात बताइए, तो यहाँ पर जो y की घात है वो यहाँ पर y की घात है 2, ठीक है, और इसका आधार क्या है, y, ये आपका कहलाएगा आधार और ये आपका कहलाती है घात। ठीक है, तो ये अगर आप देखें, और दूसरा हमने कहा √2 y और +√3 = 0, यहाँ आप देखेंगे y की कोई भी घात नहीं है, तो जिसकी कोई घात नहीं होती वहां 1 एक घात होती है। तो यहाँ भी ये सब, यहाँ सब में आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर चर हैं, इन सबकी चर की जो घात है वो एक है, जब एक है तो ये कहलाएंगे आपके रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या कह रहे हैं, ऐसी समीकरण जिसमें चर की घात एक हो वो रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो रैखिक समीकरण हो गए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इन सब में आपका एक चर है, तो हम कह सकते हैं कि एक चर रैखिक समीकरण, तो ये आपके जो है एक चर रैखिक समीकरण कहलाते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक चर रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक चर की बात की जाती है, कि एक चर होता है और जो चर है उसकी घात एक होती है, उसकी घात क्या है, एक होती है, वो आपके कहलाते हैं रैखिक समीकरण जिसकी घात एक होती है, और एक चर जिसमें केवल एक ही चर शामिल होता है वो एक चर रैखिक समीकरण कहलाते हैं। दो चीजें हैं इसमें, एक तो एक चर शामिल होगा और साथ में उस चर की जो घात है वो कितनी होगी, एक होगी, तब वो आपका कहलाएगा एक चर रैखिक। पर मैं आपको बताऊं कि जो एक चर रैखिक समीकरण होते हैं, जैसे x x + 1 = 0 है, तो ये होते हैं ax
प्लस बी बराबर जीरो के रूप में, जीरो के रूप में होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो के रूप में होते हैं, ये आप कहलाते हैं एक चर, एक चर रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अभी अब यहाँ पर अगर हम इसकी देखें तो ए एक्स प्लस बी के रूप में है कि नहीं है, देखिए ए एक्स यहाँ पर एक्स एक्स है, यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, ए की वैल्यू वन है। ठीक है, ए बराबर यहाँ पर आ जाएगा वन। यहाँ बी जो है वो अचर पद कहलाता है, यहाँ पर जो बी है वो क्या है, बी यहाँ पर है आपका अचर पद। ठीक है, और जो ए है यहाँ पर वो है चर पद का, चर पद का गुणांक, चर पद का क्या है गुणांक। गुणांक एक मैंने अभी नया सब बता दिया, तो जैसे 2x है तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है 2 है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है 2, क्योंकि ये x के गुणांक के साथ में लिखा गया है, इसीलिए ये x का क्या है गुणांक है। तो ये इस तरीके से जो एक चर रैखिक समीकरण होते हैं वो हमारी ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो के समीकरण के रूप में होते हैं, जहां पर जो a है वो एक a जो है वो चर का गुणांक है और जो b है, b क्या है आपका अचर पद है। ठीक है, अचर पद है। इस तरीके से जो भी समीकरण बनेगी वो आपकी एक चर रैखिक समीकरण कहलाएगी। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना ये चर, तो इस चर की जो घात है, चर की घात कितनी है यहाँ पर, चर की घात है यहाँ पर वन। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि x प्लस बी बराबर जीरो के रूप में जितने भी समीकरण आपको मिलेगी वो सभी समीकरण क्या कहलाएंगी, एक चर रैखिक समीकरण कहलाएंगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। हम बात कर रहे हैं अपने, हमारा जो जो सब्जेक्ट है, जो हमारा अध्याय है, हमारा जो चैप्टर है वो है दो चरों पर। तो हम बात कर सकते हैं कि इसमें दो चर होते हैं और किस रूप में लिखे होते हैं, ये होते हैं आपके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में जितने भी समीकरण बनेंगे के रूप में, के रूप में होती हैं। ठीक है, के रूप में होती हैं। अभी क्या है, समझाते हैं इसको कि क्या होता है। सपोज जैसे मान लीजिए आपके बुक में भी दिया गया है, अगर आप इसको देखेंगे कि नागपुर में भारत और श्रीलंका के बीच में खेले गए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दो भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 176 रन बनाए हैं, इसमें दो भारतीय, हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई, कोई भी भारतीय है, हम ये नहीं पता है कि ए ने कितने, पहले भारतीय एक्स ने कितने बनाए हैं, दूसरे भारतीय बल्लेबाज वाई ने कितने बनाए हैं, बस ये कहा गया इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों ने मिलकर 176 रन बनाए हैं। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण आपको मिल रही है ये आपकी समीकरण कहलाती है दो चर रैखिक समीकरण। ठीक है, और दो चर रैखिक समीकरण तो कहलाती है, आप यहां पर देखेंगे इसमें दो चर हैं, एक चर तो x, दूसरा चर क्या है y है, तो यहाँ पर दो चर तो पूरे हो जाते हैं। बात करते हैं रैखिक समीकरण की, तो हमने अभी पढ़ा था कि चर की घात, चर की घात एक हो, एक हो तो वह समीकरण कहलाता है रैखिक समीकरण। यहाँ देखो, यहाँ x की कोई भी घात नहीं है, y की कोई भी घात नहीं है, तो कोई घात नहीं होती तो वहां वन होती है बराबर 176। तो यहाँ पर दो चर भी आ गए x और y, और यहाँ पर रैखिक समीकरण बनना है, क्यों, इनकी पावर कितनी है, घात कितनी है, वन है, तो ये दो चर रैखिक समीकरण हो गए। हमने कहा था ax प्लस by प्लस c बराबर जीरो के फॉर्म में हो, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x प्लस वाई, इस संख्या को उठा के हम इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगी अपने माइनस 176 बराबर जीरो। तो देखिए ये ax प्लस by और प्लस c बराबर जीरो की के रूप में हमको ये समीकरण प्राप्त हो गई है। ठीक है, एक बात और आप समझ लीजिए, अगर कहीं भी समीकरण है और समीकरण के बराबर में अगर इधर प्लस का साइन लगा है और माइनस का है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, अगर आप प्लस को इधर लेके जाते हो तो वो अंक आ जाता है माइनस में, अगर आप माइनस को इधर लेके जाते हो तो वो हो जाता है प्लस, और अगर आप मल्टीप्लाई को इधर लेकर आते हो तो वो बन जाता है डिवाइड में। आगे हम पढ़ेंगे तो सब आपको समझ में आएगा।
अगर आप डिवाइड को इधर लेकर आते हो तो ये बन जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। सेम आपके दोनों तरफ होता है, अगर आप माइनस प्लस है तो प्लस माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड है तो वो आपका किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यह जैसे हमने यहाँ किया था, आप यहाँ देखोगे प्लस का है 176, लेकिन हम इधर को लेके चले गए, इधर लेके चले गए, तो किसका बन गया माइनस का। तो अगर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता किसी तरीके से, तो ये अगर मल्टीप्लाई में होता तो ये भाग में जाता, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए चिन्हों में कैसे परिवर्तन होता है। अगर कोई समीकरण है तो समीकरण तब बनती है जब बीच में बराबर का साइन लगा हो, और इधर एल एच एस साइड लिखी होती है, इधर आपकी आर एच एस साइड लिखी होती है। अगर आप इधर से इधर लेकर जाएंगे या इधर से इधर कोई अंक चिन्ह लेकर आएंगे, तो इस तरीके से उसमें परिवर्तन चिन्हों में होता है। तो हम बात कर रहे थे कि दो चर रेखा समीकरण, तो दो चर रेखा समीकरण आपके होते हैं ax plus by plus c बराबर 0 के रूप में। तो अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर 2y plus 3z बराबर 360 इस तरीके से, तो अब आपको इसको ax plus by और plus c बराबर 0 के रूप में इसको लेकर आना है। तो यहाँ पर आप देखिए 2y plus 3z, इसको हम इधर ले जाए प्लस का है, तो हम इसको माइनस लिख देते हैं, ठीक है। माइनस में आप इधर साइड पे लेके जाओगे एल एच साइड पे, हमने लिखवाया था माइनस होगा तो क्या बन जाएगा प्लस। तो अगर आप इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का 360 बराबर 0। तो ये वो जो समीकरण मिली है ये ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0 के रूप में हमको मिली है। ए बराबर आता है 2 और बी बराबर आपका आएगा 3 और सी बराबर होगा आपका 360। इस तरीके से आगे आपको मान निकालने के लिए भी आएंगे कि ए और बी और सी के मान निकालिए, तो आप इस तरीके से कंपेयर करके निकाल सकते हो। समझा दिया है सब कुछ, ना समझ आया दोबारा से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हम इस क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा समझाने का था एक चर दो चर रेखा समीकरण में, वो हमने आपको समझा दिए हैं। इसके बाद में जो है आपके एग्जाम्पल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम इसके बाद में एग्जाम्पल, अच्छा ये जो दो चर रेखा समीकरण होती है वो हम कई प्रकार में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपके बुक में दी गई है 1.2f plus 3t over minus i बराबर 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा ax plus by और plus c बराबर 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 1.2, ठीक है, a की वैल्यू 1.2 आ जाएगी, और यहाँ b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चार पद ना, चार पद ये वाली चार पद तो छोड़ दीजिए, तो b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 3 और c की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस की 5, ठीक है। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 5। बाकी और भी कई इसमें कई एग्जाम्पल लिखे गए हैं, जैसे आप यहाँ पर लिखा गया है t प्लस 4q माइनस 7 बराबर 0, तो ax प्लस by और प्लस c बराबर 0 के रूप में इसको तुलना कर लीजिए। तो देखिए ये भी चार पद है, ये भी चार पद है, ये भी चार पद है, तो चार पद समान होते हैं, तो यहाँ पर a की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 4 और c की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी माइनस की 7। इस तरीके से आगे करके आपको कंपेयर करने भी आएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। डियर स्टूडेंट, इस क्लास में इतना ही डिस्कस